लगातार छत्तीसगढ़ प्रांत में आम जनता से कार्यकर्ताओं से संवाद करने की कोशिश की है। आप लोग सब इस बात से परिचित हैं कि पूरे देश में संक्रामक बीमारी जो कोरोना जैसी बीमारी जिसके कारण आज की यह स्थिति बनी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और वर्चुअल रैली के माध्यम से संवाद करने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आपको इस वैश्विक बीमारी में हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में समाज सेवी संस्थाएं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वॉलेंटियर्स, वही हमारे पुलिस के कर्मचारी, स्वास्थ्य के कर्मचारी, वो ऐसे असीम कार्यकर्ता स्वयं सेवी संस्थाओं के लगे हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी परिवार उनकी जनसेवा का स्वागत अभिनंदन करती है कि आपने इस वैश्विक बीमारी के अंदर आम जनता के प्रति जो अपनी मानवता का प्रदर्शित किया है उसके लिए हम आप स्वागत अभिनंदन करते हैं। यह रैली इसको संबोधित करने हेतु हमारे नेता मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। पूरे रैली के ऊपर विस्तार से प्रकाश डालने हेतु मैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष सम्मान्य विष्णुदेव सारजी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। सम्मान्य विष्णुदेव सारजी, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश इस वर्चुअल रैली में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, दिल्ली से ही जुड़े हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे रायपुर के मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी और आज की इस अवसर में उपस्थित सभी हमारे जो विभिन्न जगहों से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ऐसे सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के हमारे वरिष्ठ जन, सभी सम्मान्य जन और प्रेस के मित्रगण, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का प्रदेश अध्यक्ष के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है, मध्य प्रदेश हम लोगों का बड़ा भाई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हम लोगों के अग्रज हैं, उनका संबोधन हम सब लोगों को सुनने को मिलेगा, ये सौभाग्य है। और हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने राजनीतिक जीवन में कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश के लगातार कई बार से मुख्यमंत्री भी हैं, प्रखर वक्ता है। ऐसे हमारे अग्रज भाई श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आज छत्तीसगढ़ प्रदेश को संबोधन मिलेगा, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। बंधुओं, मैं बताना चाहूंगा
कि आज के इस वर्चुअल रैली को हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण उन्होंने जनों से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर सुनने वाले हैं। आज हमारे प्रदेश में कुल 23,681 बूथ केंद्र में 4,621 शक्ति केंद्र स्थल में 400 मंडल मुख्यालय में और 30 जिला मुख्यालय में व्यवस्था की गई है और वहां पर सिस्को इंडेक्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीविजन के माध्यम से हमारे 10 लाख से ज्यादा लोग आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुनने के लिए तत्पर हैं। और बूथ स्तर में कई जगह बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के लोग तत्पर हैं। हम सब लोग जानते हैं कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, हमारा देश भी लड़ रहा है, बहुत बड़ा देश है, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे सक्षम प्रधानमंत्री जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं वो मिले हैं और उनके कुशल नेतृत्व में आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े शक्तिशाली समृद्धशाली देश हैं, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इतना बड़ा देश होते हुए भी भारत में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या कम है, मौत की संख्या यहाँ पर कम है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में गरीब कल्याण योजना 1,70,000 करोड़ का लागू किया, प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू किया जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं। आज हर गरीब को 5 किलो चावल, 1 किलो दाल अलग से व्यवस्था हो रही है। जनधन योजना में सीधे 500 रुपया प्रति महीना खाते में जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1 महीना में 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जा रहा है। किसानों को कृषक सम्मान निधि का पैसा 2,000 रुपया वो जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण